हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर सेकंड को देखा था, आरपीएफ एसआई सीबीटी एग्जाम के तहत जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जीएस का जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उसको हम एक एक करके यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये डेट आपका 11/1/2019 थर्ड शिफ्ट का जो आपका पेपर था इसको हम आज एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और जितना भी सब सारे आपके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है इसको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो क्लास नंबर 3 है, क्लास को देख ले रहे हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा है, ठीक है। किरातार्जुनीयम यहाँ पे जो आपके लिखा है ये किसने लिखा है, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया था ये आपके पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है किसने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर ए भारवी है, ठीक है। और यहाँ पे है आपके कालिदास, चाणक्य, अश्वघोष। तो इसको किसने लिखा था, ये लिखे थे भारवी ने, ठीक है। भारवी ने ये आपके ये लिखे थे किरातार्जुनीयम, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। और इसके इनके बारे में अगर कुछ देखा जाए तो जो आपके किरातार्जुनीयम है वो किरात प्लस अर्जुन की कथा है। ये किसका है, तो किरात, ठीक है। और यहाँ पे ये और अर्जुन की कथा है, ठीक है। किरात और अर्जुन, अर्जुन की क्या है, कथा है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, किरात और अर्जुन की ये कथा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, सेकंड क्वेश्चन आपका है कि सोमदेव देव वर्मन का संबंध किस खेल से है, ठीक है। सोमदेव देव वर्मन का संबंध किस खेल से है, तो स्क्वैश है, टेनिस है, फुटबॉल है, हॉकी है। तो ये किससे है, ये है आपका टेनिस से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, टेनिस से इनका संबंध है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और दूसरा नंबर क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे, निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक है, ठीक है। तो लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में आपके सर्वाधिक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो हुगली नदी बेसिन पर, छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा मालवा का पठार, दक्कन का पठार। तो आपको यहाँ पे लोहे और इस्पात के जो कारखाने हैं वो किस क्षेत्र में है, तो छोटा नागपुर का पठार है, इस क्षेत्र में आपके जो है ये सर्वाधिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका छोटा नागपुर का पठार है ये कहाँ पड़ता है, तो पूर्वी भारत में स्थित, ये कहाँ पर आपका पूर्वी भारत, ठीक है। पूर्वी भारत में स्थित ये क्या है आपका पठार है, ठीक है। पूर्वी भारत में स्थित क्या है आपका पठार है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। और यहाँ पे इसका अगर बात करें तो जो छोटा नागपुर का पठार है तो ये तो आपके यहाँ पे लोहे और इस्पात के लिए है, और ये पूर्वी भारत के जो है आपका एक स्थित एक पठार है। और इसमें और है कि जैसे झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और क्या होता है छत्तीसगढ़ के कुछ भाग का है इसी पठार में आते हैं। तो कुछ राज्य के पठार जो है ये छोटा नागपुर के पठार में आते हैं, जिसमें आपके जो राज्य हो जाते हैं तो आपका झारखंड हो जाता है, ठीक है। और आपका यहाँ पे बिहार होता है, छत्तीसगढ़ होता है, ठीक है। बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से आपका कुछ यहाँ पे है उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो है आपका यहाँ पे कुछ पठार यहाँ पे इसमें आते हैं, ठीक है। इस राज्य से छोटा नागपुर का पठार इस राज्य से भी आपका जुड़ा हुआ, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी तीसरे का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, संक्रमित जो कोशिकाओं में संक्रमित कोशिकाओं से अन्य और गैर संक्रमित जो आपके यहाँ पे गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाओं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है, ये आपको क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का है कि संक्रमित कोशिकाओं से अन्य और गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाओं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इम्यून है, यहाँ पे आपको क्या है, न्यूट्रोफिलिस है और इंटरफेरॉन है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको ये है, ठीक है, ल्यूकोसाइट है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको अच्छे से दिख रहा है और ये आपका हो जाएगा। तो इसमें से जो आपको सबसे बड़ी बात है कि कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है, तो ये कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है,
तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये आपका करती है इंटरफेरॉन, ठीक है। इंटरफेरॉन यहाँ पे क्या करती है, ये प्रोटीन स्राव करती है, ठीक है। मैं आगे से इस ऑप्शन को बी यहाँ पे लिख दूंगा, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे होगा, क्योंकि ये देखने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो हम आगे से इस तरह से सुधार कर देंगे, ठीक है। चलिए इसका हो जाएगा इंटरफेरॉन जो है प्रोटीन स्राव करती है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का जो प्रावधान है, ठीक है, जो निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन देखिए पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश संविधान से लिया गया है, तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम से, दक्षिणी अफ्रीका से, ठीक है, और अमेरिकी संविधान से, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। तो ये कहाँ से लिया गया था, प्रावधान किस संविधान से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ये सब चीज तो आपको पता ही होगा, ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो पूछा गया था आपका, समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेजबानी किस देश ने की। देखिए ये आपका करेंट अफेयर का टॉपिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको ये सीखने को मिलेगी, यहाँ पे जो भी आपके करंट अफेयर है, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, मतलब उस समय का जब ये एग्जाम हुआ था, तो आपको क्या करना है, अभी जो आपका एग्जाम होगा तो 23-24 का जितने भी सब सारे आपके करेंट अफेयर के जितने भी सब सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये आपके खेल से क्वेश्चन पूछा गया था, ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो उसको आपको पूरी तरीके से याद रख के तब आपको एग्जाम में जाना है, ठीक है, उसको पूरा देख कर जाना है। तो जब ये हम प्रीवियस सेट कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसके बाद से हम करेंट अफेयर जितने भी सब सारे आपके हैं 23-24 का, उसको अच्छे तरीके से क्लास एक एक क्लास में करके देख लेंगे, ठीक है। वैसे अगर आप देखें ध्यान से तो इस क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना, किस देश ने किया था यहाँ पे, तो अर्जेंटीना ने किया था, ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये पुराना है क्वेश्चन, तो इस पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका अर्जेंटीना 2018 में किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये करंट अफेयर क्वेश्चन, जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन पूछेगा उसको हम थोड़ा सा साइड लाइन करके इसको बाद में देखेंगे, जब हम इस सब सारे चीज को देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको करंट अफेयर एक साल के भीतर का ही सब सारा पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई, गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपका यहाँ पे गंगा एक्शन प्लान की जो शुरुआत किया गया था, ये कब किया गया था, 1986 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, ठीक है, 1986 ईस्वी में किया गया था, जिसमें क्या हुआ था, जो प्रथम आपके जो यहाँ पे चरण था उसमें क्या किया गया था, 1500 यहाँ पे करोड़ रुपए खर्च हुआ था, जो 14 जनवरी 1986 में क्या हुआ था, यहाँ पे 14 जनवरी 1986 में ये आपका जो है यहाँ पे दिया गया है, इसमें 14 जनवरी 1986 31 मार्च 2000 तक समाप्त हुआ, ठीक है, ये आपका था यहाँ पे गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखा गया था। इसमें क्या होता है, इसमें आवासीय मकानों और औद्योगिक इकाई से निकलकर गंगा में मिलने वाली मल दूषित और जल विषैले रासायनिक प्रदूषण को रोकने में साफ सफाई करना था, ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान के तहत ये हुआ था कि इसमें क्या करना है आपको, तो जितने भी सब सारे आपके बेकार कूड़ा है, ठीक है, या मल है, दूषित जल है, तो उसको क्या करना था, इसको रोकना था, जो कि गंगा में ये जाके ना मिले, ठीक है, तो ये सब सारी आपकी चीज था, गंगा एक्शन प्लान के तहत ये आता था, ठीक है। अब एक आपका जो अभी नमामि गंगे प्लान जो आया है, वो गंगा को सफाई करने के लिए चलाया जाता है, ठीक है, जो नमामि जो आपके गंगा यहाँ पे आता है, नमामि, ठीक है, नमामि जो आपके आते हैं गंगे प्लान, तो ये आपका जो आता है आपको किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपके साफ सफाई के लिए यहाँ पे चलाया जा रहा है, जो केंद्र सरकार तथा केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा, तो क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था, तो इस चीज को याद रखेंगे, ये कब आपके शुरुआत किया गया था, 1986 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया था, ठीक है, मद्रास जो था पहले मद्रास था, और राज्य का नाम आपको चेंज करके तमिलनाडु किस वर्ष किया गया था, तो 1967 में, ठीक है, उसके बाद से आपको 1991 में, 1969 में, 1956 में, तो ये आपका 1969 में इसको किया गया था, ठीक है, 1969, इसके पहले आपका क्या था, मद्रासी था, ठीक है, इसको इसको किया गया था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका जो तमिलों का हार होता है, जिसका अर्थ होता है, जैसे तमिलनाडु, इसका मतलब क्या होता है, तमिलों का हार, ठीक है, तमिलों का हार, ठीक है, इसको कहते हैं
इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। देखिए इसकी जो राजधानी है तमिलनाडु की, ये क्या होती है आपकी, ये आपकी चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई, इसकी राजधानी आपकी चेन्नई है। और तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है, ठीक है। जो वर्षा होती है ये कहाँ होती है, कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर होती है इसकी जो वर्षा होती है, ठीक है। तमिलनाडु में जो रबी फसल में, रबी फसल जैसे कल हम देखे थे गेहूं के लिए, चना के लिए, मटर के लिए, ये सब सारी आपके यहाँ ये सब सारी आपके रबी के फसल है, तो ये क्या होता है रबी फसल के लिए काफी ज्यादा ये क्या होता है फायदेमंद होता है, ठीक है, लाभदायक होता है, ठीक है। जो आपकी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर, तो ये रबी फसल में जितनी भी सब सारी फसल आती है, गेहूं हुआ आपका, चना हुआ, मटर हुआ, तो उसके लिए काफी ज्यादा ये फायदेमंद होता है, ठीक है। तो ये आप यही पूछ रहा था कि कब आपका इस वर्ष में किया गया था, तो 1969 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 8 हो गया, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। ये आपको यहाँ पे खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो ये आपका क्वेश्चन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, मुबारक शाह खिलजी। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी क्या था, ये इसका संस्थापक था खिलजी वंश का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे इस तरह का ये सब सारी चीजें क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखना कि किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है, उस टॉपिक को, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सब सारे आपके क्वेश्चन है उसको जानने और समझने की पूरी कोशिश करें, ताकि आपके एग्जाम में उसी के इर्द गिर्द ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन चेंज करता है, तो उसकी चेंज करने की जो परसेंटेज बहुत कम होती है, तभी आपका जो है पेपर अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, पराग करों की बाह्य परत एक्सिन जो होती है, ठीक है, पराग करों की जो बाह्य करण है एक्सिन अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है, जो एक है क्या है, माइक्रो पोलिनिन इंटाइन स्पेरोपोलिन, ठीक है, माइक्रोस्पोर ट्रेटेड है। तो पराग करों की जो आपकी होती है यहाँ पे किसकी बनी होती है, तो स्पेरोपोलिन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो एक है स्पेरोपोलिन, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था, काफी अच्छा साइंस के बायो से क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो ये है कि किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन है जो ऑप्शन नीचे आपका दिया गया है, ठीक है, ये आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है फजल अली आयोग, धार आयोग, जेबीपी आयोग, उसके बाद से नीचे है काका कालेसर कालेकर आयोग। तो इसका जो है आपको आंध्र प्रदेश का जो आपका हो जाएगा भाषाई क्षेत्र आधार पर जो है ये कौन सा आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली आयोग है, इसके अंतर्गत आपका जो ये मांग बढ़ गई है, ठीक है, भाषाई आधार पर। अब यहाँ इसके बारे में देखेंगे, तो फजल अली का जो आयोग का जो रिपोर्ट के आधार पर, जो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात जो अन्य क्षेत्रों में भी आधार विभाजन की जो मांग जो बढ़ी है वो कब था, यहाँ पे 22 दिसंबर, ठीक है, जो आपकी जो 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश अदल्फ अली की अध्यक्षता प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, ये आपका फजल अली आयोग का, ठीक है, 22 दिसंबर 1953 में इस आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन मेन पूछा गया था भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के क्षेत्र प्रचार इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई, वो फजल अली आयोग के अंतर्गत इसका मांग बढ़ गई। इसका गठन कब हुआ था फजल अली आयोग का, तो 22 दिसंबर 1953 को, ठीक है, ना आप याद रखेंगे आपके लिए बेहतर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था, ठीक है। चिपको आंदोलन बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया था, तो जो चिपको आंदोलन था ये औद्योगिक विकास, ठीक है, इसके विरुद्ध था, औद्योगिक विकास के विरुद्ध था, ठीक है। जो भी यहाँ पे चिपको आंदोलन जो हो रहा था ये किस राज्य में हो रहा था, तो ये आपका हो रहा था उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में ये हो रहा था, ठीक है, उत्तराखंड में। और यहाँ पे जो आपका ये जगह का नाम था उसका नाम था चमोली, उत्तराखंड के चमोली में, ठीक है, चमोली था यहाँ पे, समझ रहे हैं। जिले में 1973 में स्थानीय लोगों द्वारा ये किया गया था, 1973 में, ठीक है, 1973 में चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में इसका विरोध, मतलब विरोध किया
किया गया था 1973 में, ठीक है। और इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे हमारे इसमें जो किसानों ने पेड़ काटे जाने के विरोध में कर रहे थे, इसका जो जो चिपको आंदोलन था, मतलब पेड़ वहां पे काटा जा रहा था इसलिए यहाँ पे विरोध चल रहा था, ठीक है। और आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे उनका नाम क्या था, यहाँ पे जो ये चिपको आंदोलन के जो नेतृत्व करता था उनका नाम था यहाँ पे सुंदर, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुड़ा, सुंदरलाल बहुगुड़ा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुड़ा जी थे ये, इसका नेतृत्व कर रहे थे चिपको आंदोलन के, ठीक है। तो ये इन्होंने काफी ज्यादा इसमें वो किया था, ठीक है। और भी कुछ नाम था यहाँ पे, कामरेड गोविंद सिंह रावत, ठीक है, कामरेड गोविंद सिंह रावत, ठीक है, कामरेड गोविंद सिंह रावत थे। उसके बाद से चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरी देवी थे, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। और यहाँ पे और थे श्रीमती गौरी देवी, ठीक है, श्रीमती गौरी देवी, ठीक है। तो ये लोग जितने भी थे, सुंदरलाल बहुगुड़ा थे, कामरेड गोविंद सिंह रावत थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे, श्रीमती गौरी देवी थी, ये सब सारे क्या थे, चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता थे, मतलब उस आंदोलन में इनका नाम था, इनके वजह से वहां पे आंदोलन ये हो रहा था। और इसमें वनों की जो कटाई, पेड़ों की जो कटाई हो रही थी इसके विरुद्ध में था। वहां पे काम किसके, क्या काम हो रहा था, औद्योगिक विकास हो रहा था, ठीक है, तो इसी के विरुद्ध में था, औद्योगिक विकास के विरुद्ध में ये आपका हो रहा था, ठीक है। 1973 में ये आपका ये उत्तराखंड के चमोली में ये हुआ था, ठीक है। तो इस इतना सारा चीज है आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन से खेल खेलते समय हुआ था। ये बहुत बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, आपको पता है यहाँ पे क्या था, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये हमेशा चौगान ये खेलता था, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे चौगान खेलते समय ये क्या हुआ था, इसका जो है मौत हो गई थी, ठीक है, खेलते समय इसकी मौत हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, चौगान खेलते समय, ठीक है। और इसने जो आपका जो शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये किया था आपको 1206 से लेकर यहाँ पे 10 तक, 1206 से 1210 तक ये इसने शासन किया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। और ऐबक ने कुतुब मीनार दिल्ली का जो निर्माण तथा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था, ठीक है, जो आपका कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार, ठीक है, इसने बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कहाँ पर है आपकी, ये दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में। और एक था 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये कहाँ पे आपका अजमेर में है, इसने बनवाया था ये कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। तो ये आपका इसके बारे में है, और चौगान खेलते समय इसकी मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है, ठीक है, बताइए यहाँ पे कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो गहरा और यहाँ पे आपका जो यहाँ बंदरगाह हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे पारदीप बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 में क्वेश्चन नंबर 14, सबसे भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह में विशाखापट्टनम बंदरगाह यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। और आप एक चीज और जानेंगे यहाँ पे, यहाँ से क्या होता है, जापान को कच्चा लोहा निर्यात किया जाता है, यहाँ से क्या होता है, जो जापान है, जापान देश है, वहां का कच्चा लोहा यहाँ से निर्यात किया जाता है, कच्चा लोहा निर्यात किया जाता है, ठीक है। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और भारत में कुल कितने 13 बड़े तथा 200 से अधिक क्या हैं, मतलब भारत में जो आपके 13 बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है, बड़े बंदरगाह, ठीक है, और 200 से अधिक क्या है यहाँ पे, छोटे बंदरगाह हैं, ठीक है, छोटे बंदरगाह है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके 13 बड़े बंदरगाह हैं, 200 से छोटे बंदरगाह यहाँ पे आपके हैं। तो ये सब सारा था ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साहसिक फैसले जो लेता था, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है।
यहाँ पे कौन था आपका, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक था, ये साहसिक फैसला लेता था, ठीक है। और ये हाँ सॉरी, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी इसका आंसर आपका जो है थोड़ा सा दिक्कत है, ऑप्शन नंबर ए होगा मोहम्मद बिन, यहाँ पे यही होगा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ये साहसिक फैसले। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसके बारे में कुछ और चीजें मैंने लिखा था इसको, ठीक है, इसको खोज के बुक से लिखा था। इसके बारे में ये है कि इसने जो था, इसने एक बुक लिखी थी यहाँ पे, इसके बुक का क्या नाम था यहाँ पे, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये इसका इब्न बतूता ये पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है, इब्न बतूता, ये बहुत बार पूछा है ठीक है, इसलिए इस चीज को हम बताना यहाँ पे अच्छा समझ रहे थे, इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता जो आपका है कि पुस्तक रेहला में, ठीक है, रेहला, ठीक है, इसमें आपका किया था, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो 20 मार्च 1351 ईस्वी, 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा, ठीक है, थट्टा यहाँ पे जो आपका है के निकट गोडाल में हो गई, ठीक है, 20 मार्च 1351 ईस्वी को थट्टा गोडाल में हो गई, ठीक है। तो ये इसका था, इसकी मृत्यु हो गई मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा, भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय, वित्तीय आयोग, अस्थायी समिति। तो जो आपका जीडीपी का जो यहाँ पे निर्धारण जो किया जाता है, ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जीडीपी का निर्धारण। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक मंदी के कारण दिखने के वाला एक लक्षण नहीं है, ठीक है, कौन सा आपका यहाँ पे लक्षण नहीं है, निम्न में से देखने के मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है, रोजगार दर में गिरावट, उद्योग कीमतों को कम करना शुरू कर देते हैं, मुद्रास्फीति में उछाल, मांग में समान गिरावट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका होता है एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है वो क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा मुद्रास्फीति में उछाल, ठीक है, मुद्रास्फीति में उछाल जो है ये आपका एक कारण लक्षण नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और जो चीजों का, जो चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हो, ठीक है, बढ़ोतरी जब मान लीजिए कोई कीमत में बढ़ रहा है तो मुद्रा की कीमत में कमी को वैज्ञानिक ढंग से सूचीबद्ध करना मुद्रास्फीति का काम होता है, ठीक है, उसको अगर आप स्थिति को सही करते हैं तो क्या होता है, मुद्रास्फीति का काम ये आपका इसमें होता है, ठीक है, इसमें ब्याज दरें भी तय होती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें मुद्रास्फीति है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका मेन जो आपका आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति में उछाल, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है, गोपुरम, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था एग्जाम में, गोपुरम का इसका मंदिरों के स्थापत्य में, ठीक है, नृत्य मंडल, बहुउद्देशी हॉल, मंदिर का पवित्र स्थान और द्वार। तो जो आपका हो जाएगा इसका अर्थ क्या होता है, इसका होता है द्वार, ठीक है, जो द्वार होता है मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का अर्थ होता है द्वार, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिरों में ये आपका गोपुरम पाया जाता है, ठीक है, जो आपके दक्षिण भारत होते हैं, दक्षिण भारत के जो हमारे साउथ के जितने भी सब सारे आपके मंदिर हैं उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए इतना याद हो गया, अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए 19 है, सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है, ठीक है, सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो समान यहाँ पे किस में होती है, तो ये होती है आपका उच्च न्यायालय के पास, ठीक है, उच्च न्यायालय के पास ये आपकी, ये आपकी होती है, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहाँ पे उच्च न्यायालय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है, कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है इसको बताना है, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल, पेंटागोनियन मरुस्थल, थार मरुस्थल, सोनेरा मरुस्थल, ठीक है।
तो जो आपके दक्षिणी अमेरिका में जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे पेंटागोनियन मरुस्थल। ठीक है, पेंटागोनियन मरुस्थल क्या है, ये आपके दक्षिण अमेरिका में ये आपका स्थित है। ठीक है, और जो आपका जो पेंटागोनियन जो ये शब्द है इसमें क्या होता है कि जिसे स्टेपी, ठीक है, स्टेपी स्टेपी कहिए या मैगलिनियन स्टेपी के रूप में भी जाना जाता है, स्टेपी या मैगलिनियन स्टेपी के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखें, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग करते हैं। तो लंबी दूरियों को मापने के लिए किस मापन दूरी का उपयोग करते हैं, समांतर विधि, संपर्क विधि, मूल बिंदु, यहाँ पे आपका मूल विधि, व्युत्पन्न विधि, समांतर विधि का उपयोग यहाँ पे करते हैं लंबी दूरी को मापन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2002 में किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे शिक्षा के मूल अधिकार है, ये संविधान के किस 86वें संविधान संशोधन, 69वें, 84वें, 42। ठीक है, तो ये हुआ था आपका 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसका शिक्षा के मूल अधिकारों को शामिल यहाँ पे किया गया था 86वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो अगर आप देखिए कि जो आपका होता है कि अगर मान लीजिए राज्य के 6 से 14 साल के बच्चों के सभी को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी है, ये आपके अनुच्छेद किस में होता है, 21 में। ठीक है, अगर 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उसको निःशुल्क अगर शिक्षा प्रदान करना है तो किस में होता है, ये आपके अनुच्छेद 21 में होता है। ठीक है, और एक होता है 21 क। ठीक है, 21 का क होता है, इसमें क्या होता है, इस अनुच्छेद में क्या होता है, इसमें संविधान को अंतर्गत संविधान को जोड़ा गया, इस अधिनियम के अनुसार जो आपका होता है अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51A को संबोधित किए जाने का प्रावधान है, ये 1921 क में। ठीक है, इसको बारे में आपको नहीं जानना है, यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया था। ठीक है, लेकिन आपको इतना जानना है कि जो आपके 2002 में संविधान संशोधन के शिक्षा का जो मूल कार्य 86वें संविधान हुआ और 6 से 14 साल के जो निःशुल्क आपकी जो शिक्षा दिए जाने की प्रावधान किया गया अनुच्छेद 21 में आपको किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है। ठीक है, निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के राष्ट्रपति, संसद। तो अंतिम ऋणदाता इसमें से क्या होता है, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपके भारत के राष्ट्रपति, भारतीय रिजर्व बैंक, इसमें से क्या है बताइए, आप खुद से बताइए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ये आपका क्या होता है, अंतिम ऋणदाता ये होता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक 1900, ये क्या होता है, 1934 प्रावधानों के अनुसार, 1934 प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। ठीक है, इसका अधिनियम हुआ 1934 प्रावधानों के अनुसार, ये क्या हुआ था 1934 प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। ठीक है, इसका आपका यहाँ पे अधिनियम जो हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसका जो है, इसमें एक गवर्नर और चार उप गवर्नर होते हैं, आरबीआई में एक गवर्नर होता है। ठीक है, गवर्नर और चार क्या होता है, उप गवर्नर। ठीक है, उप गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर और चार उप गवर्नर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था, कादम्बरों का, पांडवों का, पल्लवों का, राष्ट्रकूटों का। तो आंसर इसका बताइए आप, अगर आप जानते हैं विजयालय जो आपके चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था, क्या था इसका, इस चीज को आपको याद रखना है, ये क्या था आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी पल्लवों का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पल्लवों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है। मुद्रा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान के स्थलीकरण कर का योगदान यहाँ पे ये होता है। ठीक है, मुद्रा संरक्षण की किस विधि द्वारा रेत के टीलों का निर्माण, रेगिस्तान के स्थलीकरण का योगदान मिलता है, तो छायाकार कृषि, सीढ़ीदार। ठीक है, छायाकार कृषि, यहाँ पे सीढ़ीदार तो किसका होता है बताइए, समोच्च कृषि, सूक्ष्म कृषि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए छायाकार यहाँ पे कृषि। ठीक है, छायाकार कृषि में ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ आपका पूछा गया था, मृदा अपरदन से क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, वायुमंडल वाले जो आपके जो चैप्टर होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन,
लॉर्ड वेबेल, लॉर्ड मायो इसके स्वतंत्र भारत के कौन थे? आप बताइए यहाँ पे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, ये लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कहता, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947, ठीक है, 1947 को भारत क्या हुआ, स्वतंत्र आजाद हुआ था, ठीक है, इस इन्हीं के कार्यकाल के दौरान, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, 1 जनवरी 2015 किस नियम ने बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है आपका कि 1 जनवरी 2015 को चेंज करके बनाया गया था योजना आयोग को, ठीक है, निम्न में से बदलकर नीति आयोग को कर दिया, किस सरकारी निकाय का नाम है योजना आयोग का, ठीक है, योजना आयोग पहले था जवाहरलाल नेहरू थे इसके संस्थापक कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और इसका 15 मार्च 1950, ठीक है, 15 मार्च 1950 को इसका जो है स्थापना किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका जो है स्थापना किए थे, जो संस्थापक थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और 15 मार्च 1950 में इसका संस्थापन किया गया था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। अब इसका जो नाम पड़ गया है वो क्या है आपका, नीति आयोग, ठीक है, योजना आयोग के बाद से नीति आयोग, तो ऑप्शन नंबर सी ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे अगला है आपका, दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में से एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम का अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर क्या कहलाएगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा ये आपको बताना, क्रांति कोण, आपतन कोण, दर्पण कोण, सामान्य कोण, तो ये जो आपका कहलाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक क्रांति कोण कहलाएगा, क्रांति कोण आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा औषध वर्ग से यहाँ पे संबंधित नहीं है, सेडेटिव, नारकोटिक्स, कैनबिस, स्किट, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे ये तो क्वेश्चन हो गया, निम्न में से कौन सा औषध वर्ग से संबंधित नहीं है, तो औषध वर्ग से जो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है, नारकोटिक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नारकोटिक्स यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो आपका संयुग्मी डिक्टोक्सिस बेंजोइन के निर्माण के लिए फिनॉल क्रोमिन का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का थोड़ा सा क्वेश्चन ये अधूरा है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका अधूरा है, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, और भी इसमें कुछ ऑप्शन यहाँ होना चाहिए, ठीक है, इसमें लिखा जाना चाहिए लेकिन लिखा नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा अधूरा है, इसको हम बाद में देखेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारा है, मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है, ठीक है, क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है यहाँ पे, मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है, तो आपको बताना है किस देश में, न्यूजीलैंड के कन्या में, आपका ऑस्ट्रेलिया में, मेडागास्कर में, ठीक है। तो इस जो आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये कहाँ पे है आपका, तो ये आपका पड़ेगा आपका यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन हो जाए यूरोप के बंदरगाह दक्षिण महासागर में, ठीक है, ये दक्षिण महासागर में आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण महासागर में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया 30 नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संयुग्मित डिकेटोन बेंजोक्विनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है, ठीक है, ये किस यहाँ पे निर्माण के लिए किस फिनॉल किस अम्ल के लिए ऑक्सीकृत होता है ये आपको बताना है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्रोमिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, तो किसके लिए होता है, तो ये जो आपका होता है तो फिनॉल क्रोमिक यहाँ पे जो होगा आपका क्रोमिक अम्ल के लिए यहाँ पे क्या होता है ये आपका ऑक्सीकृत होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमिक अम्ल के द्वारा, चलिए यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है, ठीक है, ये बताना है आपको, लंदन का बंदरगाह, वेनिस का बंदरगाह, ठीक है, यूरोप का जो सबसे बड़ा बंदरगाह होता है किसके लिए है, तो ये आपका हो जाएगा लंदन का बंदरगाह, और आपका वेनिस का बंदरगाह, लिस्बन का बंदरगाह, रोटरडैम बंदरगाह,
तो जो आपका जो हो जाएगा सबसे बड़ा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोड डैम बंदरगाह, ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह, रोड डैम, ठीक है, रोड डैम बंदरगाह, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिथिला चित्रकला के निम्न में से कौन सा, यहाँ पे मिथिला चित्रकला से निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। तो बिहार आपका मिथिला क्षेत्र से आपका है, ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, ठीक है, वहाँ के सीएम कौन है, श्री नीतीश कुमार, ठीक है, ये आपके हैं, ठीक है, बिहार के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में दीवाने ए अर्ज किसे कहा जाता था, मध्यकालीन भारत में दीवाने, यहाँ पे हो जाएगा दीवाने ए अर्ज किसे कहा जाता था, मध्यकालीन भारत में, जासूसी विभाग, सैन्य विभाग, वित्त विभाग, सामाजिक कार्य विभाग, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो सैन्य विभाग को मध्यकालीन भारत का दीवाने अर्ज कहा जाता था, ठीक है, यहाँ पे सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है, ठीक है, मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है, तो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर, सिलारू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो ये किसको जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे आपके जो हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला, ठीक है, तो इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा आप देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बाल्क लाइन का संबंध किस खेल से है, ठीक है, बताइए इसका, बाल्क लाइन का संबंध किस खेल से है, शतरंज से, गोताखोरी से, कबड्डी से, कार रेसिंग से, ठीक है, ये एग्जाम में कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो जो आपका बाल्क लाइन जो होता है ये कबड्डी के खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कबड्डी से संबंधित खेल शब्दावली क्या है, इसको कहते हैं रेडर, ठीक है, रेडर, ठीक है, रेडर कहते हैं, और एंटी वक लाइन, एंटी वक लाइन ये हो जाएगा, मार्च लाइन इसको कहते हैं, मार्च लाइन, ठीक है, एंटी वक लाइन, मार्च लाइन, ठीक है, और एक और होता है लाबी, ठीक है, लाबी, ठीक है, तो ये सब सारे आपके क्या होते हैं, कबड्डी से जुड़े ये सब सारे आपके शब्द हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल्क लाइन किससे है आपका, HVJ गैस पाइपलाइन निम्न से किस राज्य से होकर गुजरती है, HVJ, ठीक है, HVJ यहाँ पे जो होता है गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, ठीक है, और आपका यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, तो ये किस राज्य से आपका गुजरता है, तो मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है, MP, राजधानी जो होगी ये क्या हो जाएगी, भोपाल, ठीक है, भोपाल इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। हजीराबाद वीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन है, HVJ जो गैस पाइपलाइन है, और ये प्राकृतिक गैस का पाइपलाइन है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, HVJ जो है प्राकृतिक गैस का पाइपलाइन है, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब देखिए, पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक जो है ये ओलंपिक में कब शामिल किया गया, पुरुष बास्केटबॉल को कब किया था, 1972, 1984, 1936, ये कहाँ किया गया था, ऑप्शन नंबर डी 1936 में शामिल किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 39 देखिए, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, ठीक है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ, क्या था, तो इसको बताइए जल्दी से, 1757 में, 1859 में, ठीक है, और इसका जो हो जाए 1857 में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सिपाही विद्रोह इसका किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन अधिनियम द्वारा की गई, ठीक है, मताधिकार का आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन अधिनियम द्वारा की गई, 69वां संविधान संशोधन, 89वां, 72वां, 61वां संविधान संशोधन, तो मताधिकार 21 वर्ष से 18 की गई थी, ये कब किया गया था, तो ये आपका जो किया गया था ये ऑप्शन नंबर डी में 61वां संविधान संशोधन में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे
अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, उनको प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है कि अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने का। देखिए ये थोड़ा सा ये इसको इधर होना चाहिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, किस अनुच्छेद और उनके अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने का यहाँ पे संभालने का अधिकार प्राप्त है, ये आपका होना चाहिए, ठीक है, अल्पसंख्यकों को। तो ये आपका अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29। तो ये जो आपका है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 30, ठीक है, धर्म भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के अनुसार शैक्षिक संसाधन को स्थापित करने का प्रबंध किया गया अनुच्छेद 30 में, ठीक है। ये था आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि भारत का आधिकारिक यहाँ पे आवास मूल्य सूचकांक SPI किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। HPI किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्रम ब्यूरो, ठीक है। तो ये जो आपका किया गया है यहाँ पे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रीय आवास बैंक, ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुआ, ठीक है, तो कदमकप, पाणिनि और बिंदुसार, चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुआ, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीति गुरु और महामंत्री कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो ये थे चाणक्य, ठीक है, चाणक्य, इसको भी याद रखेंगे, राजनीतिक गुरु और महामंत्री चाणक्य थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था विभव स्थिर और स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से ये किया जाता है। देखिए साइंस का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, विभव स्थिर स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का उपयोग करके व्यापक रूप में किया जाता है, इसको पूछा था, प्रकाश चालक डायोड, ठीक है, और टनल डायोड, उसके बाद से सोलर डायोड, जेनर डायोड। तो ये जो किया गया था ये आपका जेनर डायोड में किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका जो खोज किसने किया था, खोज इसके बारे में देख लीजिए, तो खोज जो के साथ इनका नाम था आपको क्लियरेंस, ठीक है, ये इन्होंने किया था खोज, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है, ठीक है, वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर यहाँ, वेनेजुएला घास के मैदानों को किस रूप में जाना जाता है, तो लोनास, सहारा, साहिल, पंपास, तो ये किस में, लोनास में, ठीक है, लोनास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिनाम्बर सागौन को हाल ही में भौगोलिक, यहाँ पे भौगोलिक आपका जो है उपदर्शन GI प्रदान किया गया, वृक्ष निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है, किस राज्य में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, किस राज्य में पाया जाता है ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो केरल में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यहाँ पे तमिलनाडु है, तो ये जो आपका पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका केरल में, ठीक है, केरल में ये आपका पाया जाता है यहाँ पे। इसका आपका ये क्वेश्चन नीलांबर GI वाला है ये, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, वेनेजुएला घास मतलब लोनास के रूप में पाया जाता है, नीलांबर ये पूछ रहा है, ये 47 नंबर नीलांबर को ये GI, तो ये केरल में, सॉरी ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा, केरल में पाया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें थोड़ा सा लगा रहा था, थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है, केरल ही होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है, बताइए नवीन विशेषता कौन सी है, नवीन विशेषता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, आपातकालीन, मूल कर्तव्य, ये बताइए नवीन विशेषता है इसमें से, बताइए कौन सी है आपकी। तो आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये अधीन अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए, अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए जो आपका यहाँ पे है,
निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए, किस प्रतिरोध का किया जाता है, मूल अधिकार, जेनर डायोड, आपातकालीन ट्रांजिस्टर। देखिए थोड़ा सा इधर गड़बड़ लग रहा है, ऑप्शन आपको दे दिया गया है, अनियमित प्रतिरोध के मूल अधिकार ये तो है नहीं, ये आपका क्या है, आपका ये पॉलिटिक्स का है। तो यहाँ पे जो आपका होगा आंसर ये 48 का आपका यहाँ पे दे दिया गया था। तो हीट व्हीट स्टोन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ठीक लग रहा है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मूल अधिकार ये पॉलिटिक्स का दे दिया गया है, यहाँ पे आपातकालीन ये भी आपका उसी का दे दिया गया, तो ये थोड़ा इधर उधर हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये जो है बनाते वक्त ही गलत हो गया है, ठीक है। तो आगे से इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से जो इसका जो पूरा ऑप्शन होगा उसको लेकर देखेंगे, इसमें दो क्वेश्चन आपको गलत निकल के आया है, ठीक है। देखिए ये आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर, ये आप क्वेश्चन आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ये जो है आपका ए और सी, तो ए के जगह क्या है ब्रिज रेक्टिफायर और सी में क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देख लेना है, अनियमित प्रतिरोध के मापन में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है, तो इसका किया जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज का, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सुधार कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर ये होगा व्हीट स्टोन ब्रिज, मैंने कहा कि थोड़ा सा ये डाउट है क्वेश्चन का, तो व्हीट स्टोन ब्रिज यहाँ पे इस क्वेश्चन का देख लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके यहाँ पे आपका आंसर ये ऑप्शन नंबर सी होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय क्षारी होने से बचाता है, तो ये उदर है, वृक्क है, पित्ताशय है, आंत है, ये कौन सा बनाता है यहाँ पे, तो ये आपका जो होता है इसका जो आपका होता है वृक्क, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा वृक्क और किडनी, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, धात्विक और अधात्विक किस में पाई जाती है ये आपको बताना है, किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है, कोलाइड में, मेटेलॉइड्स में, ग्लूकोन में, एक्सियोन में, तो किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके यहाँ पे जो आपके आंसर हो जाएंगे, तो क्लोरोएथेन, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, ये निम्न इसकी धात्विक और अधात्विक पाया जाता है, इसका ऑप्शन ही नहीं दिया गया यहाँ पे, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ही यहाँ पे नहीं देखा, ये ऑप्शन क्वेश्चन लग रहा है कि विशेषता पाई जाती है निम्न में से किस धात्विक और अधात्विक का, इस क्वेश्चन का आंसर ये क्वेश्चन ही थोड़ा इधर उधर हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको आसानी से मिल सकता था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है अलग तरीके से लग रहा है ये आ गया है, हालांकि क्वेश्चन को हम एक बार देख ले रहे हैं, हम अपने नोट्स में इसको लिखे थे इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा ये क्वेश्चन जो होगा 152 है, ठीक है। चलिए ये जो क्वेश्चन था, निम्न इसकी धात्विक और अधात्विक विशेषता पाई जाती है, मेटेलॉइड्स में पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका पूरे 50 क्वेश्चन, ठीक है, एकाध क्वेश्चन जो आपके जो गलत थे उसको हम आगे कवर कर देंगे, लेकिन ये पूरा 50 क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत है क्लास के रिगार्डिंग तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताएं, कोई अपनी जो आपके सजेशन उसको भी बताएं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।